नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीरो पे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में होमोजीनियस सेकंड काइंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर उसका सॉल्यूशन निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। नॉन होमोजेनियस है तो जो एफ ऑफ एक्स वो जीरो नहीं होगा और ये सेकंड काइंड, ठीक है, सेकंड काइंड है तो एच एक्स की वैल्यू होगी वन और डी जनरेट कर्नेल की हेल्प से हम निकालेंगे। तो डी जनरेट कर्नेल में क्या करते हैं, एक्स और टी की टर्म्स को सेपरेट करके एक्स की टर्म इंटीग्रेट से बाहर ला के अंदर वाले को कांस्टेंट मान लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखो एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल करते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा जीरो टू वन एक्स टी जी ऑफ टी डी टी, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो डीजनरेट करने में क्या है, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो इसको, अंदर सारी टी की टर्म्स बच गए, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स सी, ये जी एक्स होगा, ठीक है। सी मैंने किसको माना है, जीरो टू वन टी जी ऑफ टी डी टी, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लेंगे इसको। टी जी टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, जी टी की वैल्यू क्या आ गई, टी पुट कर दो सारी जगह, एफ ऑफ टी प्लस लैम्डा टी सी डी टी, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी इसको डिस्ट्रीब्यूट करके सेपरेट कर लेते हैं, जीरो टू वन टी एफ ऑफ टी डी टी, डी टी इसके साथ आ गया, फिर ये लैम्डा सी आ जाएगा बाहर, यहाँ बच जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू वन लेमडा सी बार आ गया टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि एफ ऑफ टी क्या है हमें पता ही नहीं है, ये कर सकते हैं तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, जीरो टू वन टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस लेमडा सी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट रखेंगे जीरो टू वन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको लिमिट रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो c बराबर हो गया पहली टर्म जीरो टू वन टी एफ ऑफ टी डी टी, और लैम्डा c इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन थ्री था, उसमें अपर लिमिट रखेंगे वन, लोअर लिमिट रखेंगे जीरो, इसको सॉल्व कर लेंगे, जीरो टू वन टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस लैम्डा सी अपॉन थ्री, ठीक है। हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, लैम्डा सी अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू जीरो टू वन टी एफ ऑफ टी डी टी, सी कॉमन लेंगे, वन माइनस लैम्डा अपॉन थ्री इक्वल्स टू जीरो टू वन, बस इसको सॉल्व कर लो। अब इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री माइनस लैम्डा अपॉन थ्री सी इज इक्वल्स टू जीरो टू वन टी एफ ऑफ टी डी टी, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई थ्री अपॉन थ्री माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई एफ ऑफ टी डी टी। अब ये सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जी एक्स, और हमें निकालना क्या था सॉल्यूशन इसका, तो सॉल्यूशन क्या है वो जी एक्स ही है। सो सॉल्यूशन इज जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स सी, सी की वैल्यू पुट कर दो तो जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स सी की वैल्यू क्या है, थ्री अपॉन थ्री माइनस लैम्डा जीरो टू वन टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन।
तो ये डीजनरेट कर्नेल के हेल्प से नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है, बहुत ईजी सा तरीका है। जैसे ये किया है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर दो तीन क्वेश्चन आप करो, इतने में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, इस बार थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिखते हैं जिसमें C1 C2 दो आ जाए। ठीक है, वो तो छोटा एग्जांपल था। तो GX इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस लैम्डा 0 to π साइन x माइनस टी जी ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा और हम इसे ही डी जनरेट करने की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। कोस ऑफ एक्स प्लस लैम्डा 0 to π। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये लो जी ऑफ टी डी टी हो गया। अब इसको डीजनरेट करने की हेल्प से सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ साइन एक्स बाहर आ जाएगा 0 to π कोस टी ये जी टी मल्टीप्लाई में और डी टी, ये तो फर्स्ट टर्म के साथ हो गया, फिर माइनस, फिर ये लैम्डा, फिर ये कोस एक्स बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to π साइन ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसको तो हम कांस्टेंट 1 ले लेते हैं, इसको कांस्टेंट 2 ले लेते हैं। तो जी एक्स क्या बन गया, जी एक्स बन जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस लैम्डा साइन एक्स C1 माइनस लैम्डा कोस एक्स C2। ये जी एक्स बन गया, C1 C2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो C1 की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, तो C1 माना किसको है, C1 माना है 0 to π कोस ऑफ टी जी टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, टी की जगह सॉरी एक्स की जगह टी पुट कर दो, C1 यहाँ पुट कर दो, 0 to π कोस ऑफ टी, तो जी टी क्या हो जाएगा कोस ऑफ टी प्लस लैम्डा साइन ऑफ टी C1 माइनस लैम्डा साइन ऑफ टी C2 डी टी। देख लो, तो C1 क्या हो जाएगा 0 to π कोस टी कोस ऑफ टी प्लस लैम्डा C1t माइनस लैम्डा सॉरी ये कोस टी साइन लिख दिया जाए कोस ऑफ टी, ध्यान रख लेना है, छोटी सी गलती होगी ना फिर इंटीग्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा चेक कर लेते हैं, कोस तो ये बाहर है, फिर अंदर कोस साइन कोस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और कुछ नहीं करना, कोस कोस हो गया कोस स्क्वायर टी डी टी, ये बड़ा अलग से इसको अलग से लो, लैम्डा C1 भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, अंदर आ गया कोस टी साइन टी, इसका इंटीग्रेशन आपको मैंने बताया था जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे ना वो सारे इसी पे थे, उसमें काफ़ी सारे साइन टी वाला आया था, साइन टी कोस टी। अब देखो तो बता दूंगा मैं फिर से, ये देखो ये दोनों सेम आ गए, तो ये कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो C1 क्या हो गया, ये तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया, इधर बच जाएगा 1 माइनस इधर बच जाएगा लैम्डा C2, इंटीग्रेशन है 0 to π कोस स्क्वायर टी डी टी प्लस लैम्डा C1 0 to π कोस टी साइन टी डी टी देखना मिल गया। देखो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, कोस टी साइन टी मल्टीप्लाई में हो तो कैसे होता है इंटीग्रेशन, साइन 2t का फॉर्मूला बना दी, और वो कैसे होगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसको तो हम बाहर लेते हैं। अब 2 कोस टी साइन टी क्या होता है, साइन ऑफ 2t, तो साइन ऑफ 2t आ जाएगा, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। कोस स्क्वायर वाले का भी मैंने आपको बताया था कि कोस 2t के दो फॉर्मूले होते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, देखो इसका हाफ एंगल यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे 2t है तो t, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास है कोस स्क्वायर टी, तो कोस स्क्वायर टी को ये माइनस वाला माइनस वन इधर जाएगा, 2 का डिवाइड लगेगा, तो कोस स्क्वायर टी की जगह हम लिखेंगे 1 + cos 2t / 2, यहाँ पुट करेंगे, इसको हम लिख लेंगे साइन 2t, फिर पूरे को इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेंगे। तो
सी वन देखो हमारा क्या आ जाएगा, बार कॉमन था वन माइनस लेमडा सी टू था या सी वन था, सी टू, वन माइनस लेमडा सी टू अपॉन टू, अपॉन टू मतलब ये वैल्यू पुट कर देना इंटीग्रेशन के लिए, अपॉन टू तो वो तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में अंदर क्या बच गया, वन प्लस कोस टू टी डी ऑफ टी, ठीक है, लैम्डा सी वन जीरो टू पाए साइन ऑफ टू टी डी टी, यहाँ पे टू हो रहा है, ठीक है, वो टू किसका, ये वाला टू है ना, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, एक टू आएगा। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सी वन बराबर आ जाएगा वन माइनस लेमडा सी टू अपॉन टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो वन का तो हो जाएगा टी और कोस का हो जाएगा साइन टू टी अपॉन टू जीरो टू पाए प्लस लेमडा सी वन टू, साइन का क्या हो जाएगा फिर से माइनस कोस टू टी अपॉन टू, लिमिट है जीरो से पाए। बस अब इसको सॉल्व कर, अपर लिमिट पाए रखते हैं तो टू पाई हो जाएगा जीरो, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट जीरो जीरो, लैम्डा सी वन अपॉन टू, अपर लिमिट रखेंगे पाई तो माइनस कोस पाई कितना होता है माइनस वन, माइनस वन अपॉन टू, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट तो कोस जीरो कितना होता है वन, ऐसे होगा ना, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, वन माइनस लैम्डा सी टू अपॉन टू इधर तो आ गया पाई, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा सी वन अपॉन टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन सॉरी अपर लिमिट ये माइनस तो ये वाला था ही पहले से, और फिर अपर लिमिट लगाई तो टू पाई और कोस टू पाई होता है वन ना कि माइनस वन, टू है यहाँ पे पाई नहीं है, सॉरी मैंने टू नहीं देखा, तो टू पाई होता है प्लस वन, ये माइनस हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जीरो, कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो वन अपॉन टू, और ये वाला माइनस यहाँ पे है ही, ये माइनस माइनस हो गया प्लस वन अपॉन टू, तो सी वन बराबर हो गया वन माइनस लैम्डा सी टू अपॉन टू पाई, या ये तो जीरो हो जाएगा पूरा है ना, तो अब इसको सी वन सी टू के लिए सोल्व कर लेते हैं, टू को उधर मल्टीप्लाई करो, टू सी वन बराबर वन माइनस लैम्डा पाई माइनस लैम्डा सी टू पाई, पाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पाई मल्टीप्लाई में है, सी वन सी टू एक तरफ ले आते हैं, इसको इधर ले, ये आ गए आपके पास पहली इक्वेशन सी वन सी टू के रिलेशन, ठीक है, अभी सी टू किसको माना था, इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जीरो टू वन सेम ही है, सी टू माना था मैंने जीरो टू पाई साइन ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी, और कुछ नहीं करना है आपको, जी टी की वैल्यू पुट करनी है, तो जी टी वैल्यू क्या है, कोस टी प्लस लैम्डा साइन टी सी वन माइनस लैम्डा कोस टी सी टू और डी टी, ये लो देख लो, जी एक्स था यहाँ पे टी पुट किया तो कोस टी लैम्डा साइन टी माइनस से लैम्डा कोस टी सी टू डी टी, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो और कुछ नहीं करना है, सी टू इक्वल्स टू जीरो टू पाए, और सबसे पहले तो इन दोनों के साथ लिखो साइन टी कोस टी डी टी, ये सेपरेट होगा, फिर इसको इसके साथ है लैम्डा सी वन बाहर कॉन्स्टेंट है, अंदर आ गया साइन स्क्वायर टी डी टी, फिर माइनस लैम्डा सी टू बाहर जीरो टू पाए कोस टी सॉरी और साइन टी डी टी, ये देखो ये फिर से कॉमन आ गया, इस बार क्या कॉमन आया, माइनस ऑफ लैम्डा सी टू, इंटीग्रेशन में जीरो टू पाए साइन टी कोस टी डी टी, एक ही पार्ट बच गया, लैम्डा सी वन जीरो टू पाए साइन स्क्वायर टी डी टी, अब देखो साइन स्क्वायर का कैसे करेंगे, अभी बताया था, इसको कोस टू टी में लिखेंगे,
ये रहा, कोस टू टी बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओ इसको इधर ले जाओ, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 टी अपॉन 2। ठीक है, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ये आपको आना चाहिए। इसका कैसे करेंगे, अभी बताया था 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से जब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2t का। ठीक है, और यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे ही, तो वो क्या होगी, वो होगी 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2, तो वो बाहर ले लिया हमने, और अब हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन और वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 माइनस लैम्डा c2 अपॉन 2, इसमें वैसे कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा है और कैलकुलेशन में माइनर माइनर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसका कितना हो जाएगा, देखो t माइनस कोस का क्या हो जाएगा साइन, ये लो। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक भी जगह गलती होगी ना काम ख़त्म। तो अब सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, तो -cos 2π 1 होता है, अपर लिमिट रख दी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो ये इसका -cos 0 का वैल्यू होती है 1, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा c1/2, इसमें ध्यान से रखना पाई साइन 2π 0, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0, ये लो, ये तो इजी सही लग रहा है, सोल्व भी हो गया, ये तो सारा कट गया, ये कट गया, ये जीरो हो गया, पाई इसके साथ रह गया, ठीक है, ये तो छोटा सा ही रह गया। c2 बराबर हो जाएगा इसमें लेमडा c1/2 मल्टीप्लाई में पाई, तो ये c2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आपके पास c2 क्या आ जाएगा, c2 आ जाएगा लेमडा c1/2 पाई, ये, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके लिखो 2c2 बराबर लैम्डा पाई c1, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये आ गई थी और एक इससे पहले और आई थी, ये दोनों साथ लिख लेते हैं। यहाँ से हमें c1 c2 की वैल्यू निकालनी है, 2c1 प्लस लैम्डा पाई c2 इक्वल्स टू पाई, ये, ठीक है। अब हमें यहाँ से c1 c2 की वैल्यू निकालनी है, और वो अगर आप gx में पुट कर दोगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, gx सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं ये c2 है ना, c2 इसको इसमें पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन तो यही है, मैं c2 इसमें पुट करता हूँ, तो 2c1 प्लस लैम्डा पाई c2, और c2 की वैल्यू कितनी है, λc1/2π बराबर में हो जाएगा पाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2c1 प्लस λ² π² c1/2 = π, ठीक है। क्या करते हैं, c1 कॉमन ले लेते हैं, 2c1 कॉमन ले लेते हैं, छोटो 2 को, फिर 2 प्लस अंदर कितना बच गया, λ² π² / 2 = π। इसको एलसीएम लेके सम कर दो, वो आ जाएगा 4 प्लस λ² π² / 2 = π। c1 की वैल्यू क्या आ गई, पाई मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4 प्लस λ² π² = ये क्या आ गया, 2π/4 प्लस λ² π², तो ये तो c1 की वैल्यू आ गई। अब मैं c1 की वैल्यू वापस यहाँ ही रख दूँ इसमें, तो c2 की वैल्यू आ जाएगी, तो c2 क्या हो जाएगा, λ/2, c1 की वैल्यू रखो, 2π/4 प्लस λ² π² मल्टीप्लाई ये वाला पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और कुछ नहीं हुआ, तो आंसर आ जाएगा λ π² / 4 प्लस λ² π², ठीक है। तो c1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2π/4 प्लस λ² π², c2 की वैल्यू आ गई λ π² / 4 प्लस λ² π². अब gx क्या था आपके पास, वहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो gx क्या था, cos x, तो gx लिख लो cos x, फिर था प्लस लेमडा साइन x c1। अब c1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ये वाली,
तो वो है लेमडा सी वन साइन एक्स, तो सी वन पुट कर दो, 2 पाई अपॉन 4 प्लस लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर, लेमडा सी वन क्या है ये, साइन एक्स माइनस लेमडा सी टू पाई स्क्वायर 4 प्लस लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस एक्स, ये लो। तो जी एक्स क्या आ गया आपके पास से, जी एक्स आ गया कोस एक्स प्लस, यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 2 पाई लेमडा अपॉन 4 प्लस लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई में था, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एक्स। ठीक, तो ये जो निकल के आया है ना, ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, कॉस एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, और फिर उसको और सॉल्व कर लो, बाकी ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चंस थे ना जो मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाए, बहुत ईजी है, डी जनरेट करने की हेल्प से आप सॉल्व कर लो। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए हैं, और ऐसे तो कितने बताओ करो, जब तक आप नहीं करोगे ना तो आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो ईजी से हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस डाल देता हूँ, उनके आंसर लिख देता हूँ, आप उसको सॉल्व करो, देखो नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।